नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरी वड़ी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बालों का प्रॉपर तरीके से कैसे ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम ये नहीं बताने वाले हैं कि आप नए बाल कैसे उगाएं, इसमें हम एग्जैक्टली ये बताने वाले हैं कि आपके पास जो बाल बचे हैं उसका आप कैसे सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं बताने वाला हूँ मैं, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं हम लोग अपने नॉर्मल जीवन काल में, जो कि हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी गलतियों से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं समय से पहले, जो कि ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अपने बालों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अपनी तरफ से अपने बालों के लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम उसे सही रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों कि हमें अपने बालों में ज़्यादा डैंड्रफ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो कई बार बहुत मेन कारण बन जाता है बाल झड़ने का और बाल कमज़ोर होने का या फिर बाल टूटने का। ठीक है, उसके बाद फिर हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा धूप में रहेंगे, ज़्यादा धूप में जाएंगे तो बाल आपके रूखे होंगे, टूटेंगे, झड़ेंगे। या फिर अगर आप ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में जाएंगे जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ ज़्यादा डस्ट आ रहा आपके बालों में, तो भी आपके बाल खराब होंगे, झड़ेंगे, टूटेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नहाने के बाद, क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो बाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जब वो भीग जाते हैं पूरे, तो उस टाइम पे अगर आप उसको टॉवल से रगड़ के धोएंगे तो भी वो टूटने और झड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप अपने बालों को ज़बरदस्ती नहीं सुखाएंगे, आराम से प्यार से सुखाएंगे, तो आप उसका प्रॉपर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। उसी के साथ साथ बाल सूखने के बाद जब आप उसकी ऑयलिंग करते हैं, सही तरीके से जब ऑयलिंग करेंगे तो ही कोई मतलब निकलेगा। मतलब कि जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं बालों की, अगर उसमें आप अच्छे से ऑयलिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जड़ से मजबूत होगी तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ऑयलिंग करने का भी। ठीक है, और पानी का जो हेर फेर होता है आपको उससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हम बालों का अपनी तरफ से कैसे ख्याल रख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या ले सकते हैं जिससे हम अंदरूनी तरीके से अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं, मतलब कि ऐसी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या विटामिन्स हैं जो, और मल्टीविटामिन्स हैं जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी है और जो हमें लेना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों कि कॉड लिवर ऑयल जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है। वैसे तो वो कई चीज़ों के लिए है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ कॉड लिवर के साथ साथ विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। बालों का मॉइस्चर जो है, जैसे बाल जब ज़्यादा सूखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो जो विटामिन ई है वो बालों के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, वो स्किन के भी मॉइस्चर को भी लॉक करके रखता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ विटामिन बी भी बहुत ज़्यादा सहायक रहता है बालों को झड़ने से बचाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। और विटामिन बी के साथ साथ दोस्तों बायोटिन का जो सप्लीमेंट आता है, अलग अलग बायोटिन का भी सप्लीमेंट आता है, वो भी बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। ये तो बात हो गई कि ये चीज़ें लेने से आपके बाल जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे आपको, आसानी से मिलना भी तो ज़रूरी है ना इन चीज़ों का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने बात की विटामिन बी की, विटामिन बी दोस्तों बिकसुल के नाम से सबको ही जानता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। विटामिन ई भी दोस्तों किसी भी दुकान पे एवियन 400, एवियन 200 या एवियन 600 के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कॉड लिवर ऑयल की, जो हमने सबसे पहले बात किया, कॉड लिवर ऑयल की भी अगर हम बात करें तो कॉड लिवर ऑयल कहीं भी किसी भी शॉप पे आप जा करके मांगेंगे, 7C का आता है, सी कॉड का आता है, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है अलग अलग एरिया के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं बायोटिन सप्लीमेंट की, किसी भी शॉप पे वैसे ही आप अगर आप जाएंगे बायोटिन सप्लीमेंट लेने के लिए तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत महंगी नहीं आती हैं, बहुत चीप रेट में आती हैं। ठीक है, हार्डली 300 के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इनका आप, इनको आसानी से आप ले करके अपने बालों का केयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको लेने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। एग्जैक्टली ये हमारे इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, बाल को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हैं, मॉइस्चर लॉक करके रखती हैं और कहीं से भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देती हैं। जैसे कई बार सीज़न चेंज होता है, जब मौसम चेंज होता है तो भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, मानसून के टाइम पर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पे अगर आप कॉड लिवर ऑयल लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है।
तो दोस्तों बाल जो है, अब जैसे हम इतना सारा चीज बताए इसको बचाने के लिए, एग्जैक्टली बाल जो है हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। अगर बाल नहीं रहता है, अब जैसे मेरे ही बाल कम है तो बहुत ज्यादा बेकार लगता है, कई बार बाल ना रहने के कारण बहुत ज्यादा बहुत एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप अपने बालों का सही तरीके से ख्याल रखेंगे तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप अपने बालों को बचा करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, और उसी के साथ साथ अगर कोई सवाल या फिर सुझाव है तो वो भी मुझसे पूछना ना भूलें, और उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।